हेलो, आई एम कशोदन, दिस इज यूए कैपिटल। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में पहले देखते हैं, इस लेवल के आसपास मार्केट अभी रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो इस लेवल के बाहर जब तक नहीं निकलता है तब तक अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा। ऊपर वाला ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर देखते हो तो दिस वन और ये देखो 6-7 दिन कंटिन्यूसली एक लेवल के आसपास से उन्हें रेजिस्टेंस मिला है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो अच्छा ट्रेड जरूर मिल सकता है। तो देखो 48400 के ऊपर हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते, अच्छा ट्रेड मिलेगा, शॉर्ट का ट्रेड अच्छा मिलेगा। तो वो लेवल आपका बनता है 47000 के नीचे। सो 47940 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? परफेक्ट। अभी देखते हैं निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ही एक लेवल के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने इस दिन बताया था कि ये नीचे जाएगा और यहां से फिर से ऊपर चला आएगा, तो वैसे ही हुआ है। तो इस दिन बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिला होगा इस ग्रीन कैंडल को, आई होप आपने लिया होगा। तो अभी देखते हैं इस दो कैंडल के बाद में क्या हो सकता है। देखिए, अभी इस लेवल के बीच में वो फंस चुका है। अभी जब तक इससे बाहर नहीं निकलता तब तक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा निफ्टी में, क्योंकि इस लेवल के बीच में ऊपर नीचे करेगा। किसी भी लेवल को रेजिस्टेंस, किसी भी लेवल को सपोर्ट एक्ट हो सकता है, तो इसलिए इस लेवल के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो देखो, बाय करना है तो इस लेवल के ऊपर, जो हमारा लेवल बनेगा 730 का, 21730 के ऊपर हम बाय करेंगे। और शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे होगा, जो 21000 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज 2950 के नीचे आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बीच में कोई भी ट्रेड मत लेना, बहुत चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो चलो, आई होप आपको लेवल्स पता चल गए होंगे। चलो तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन भी देखनी पड़ेगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि एक्सपायरी में, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में क्या हो सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी में देखते हो तो मेजर रेजिस्टेंस है 48000 को, तो 48000 में 2 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और सपोर्ट देखा जाए तो 47500 पे मेजर सपोर्ट है, और यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट है, तो ऊपर जाने के चांसेस अच्छे दिख सकते हैं कल के लिए। तो चलो देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्पॉट में जाना पड़ेगा। ये रही बैंक निफ्टी स्पॉट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 47500 इज अ बेस्ट सपोर्ट, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा हमें, और ऊपर 48000 हमारा रेजिस्टेंस है दिस वन। तो इसके बीच में मार्केट रहेगा। अगर ये ब्रेक करता है दोनों साइड में तो एक लंबा रैली हम देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में अगर 47500 के आसपास आके फिर से मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो 47550 के ऊपर हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ऊपर वाला ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये ब्रीच हो जाता है 48000 तो अच्छा रैली बन सकता है, लेकिन नीचे जाके ऊपर जाने के चांस ज्यादा है बैंक निफ्टी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कल के लिए कैसे ट्रेडिंग करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो चलो, लेवल्स अच्छे से पता चल गया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट सीखना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या होती है, वो कैसे करते हैं विद लाइव एग्जांपल्स, वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे एक नंबर दिया है, उस नंबर पे एक बार जरूर कॉल कीजिए, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलो, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। आई एम आकाश, दिस इज यूए कैपिटल। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट।